हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको अपने ये छत पे पड़े हुए सभी प्लांट्स दिखाऊंगा। तो आज काफ़ी अच्छी बारिश आ रही थी और बारिश में मैंने बहुत से प्लांट्स को बाहर रखा है और कुछ प्लांट्स की मैंने कटिंग भी लगाई है और एक प्लांट को मैंने रिपोर्ट भी किया है, तो आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो बहुत दिनों से काफ़ी गर्मी पड़ रही थी जिसके कारण मेरे बहुत से प्लांट ख़राब भी हो चुके हैं और कुछ प्लांट्स की तो पत्तियाँ जल भी चुकी है, बहुत प्लांट्स पर बर्निंग आनी शुरू हो गई है। तो ये देखिए, ये सभी मेरे एलोवेराज के प्लांट पे, ये देखिए सभी पत्तियाँ इसकी ब्राउन सी होने लग गई हैं, सभी पत्तियाँ सूख गई हैं। तो बारिश से 2-3 दिन तक मौसम ठंडा रहेगा, उसके कारण इनके वापस ग्रीन होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये देखिए काफ़ी बारिश आई और जो भी मैंने इन पे ग्रीन नेट किया हुआ था सभी को हटा दिया था ताकि प्लांट्स अच्छी तरह बारिश में इन्हें पानी मिल सके और ये प्लांट वापस से हेल्दी हो सके। तो ये देखिए क्रोटोन के प्लांट मेरे बिल्कुल ही ख़राब हो चुके थे, इनकी पत्तियाँ भी सूखने लगी थी और पत्तियाँ भी जड़ गई थी, तो इन्हें मैंने बारिश में बाहर कर दिया था। तो अब ये इनमें भी अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और ये देखिए, ये मेरे साइकस पाम के प्लांट्स जो मैंने न्यू परचेज़ किए थे, तो अभी मैंने रिपोर्ट नहीं किया इन्हें, तो इन्हें भी मैंने बारिश में कर दिया था। और ये देखिए अब सभी प्लांट्स में अच्छे से पानी बारिश का मिलेगा, तो ये प्लांट्स की ग्रोथ वापस से बहुत अच्छी शुरू हो जाएगी। और जिन पॉलीबैग्स में मैंने, ये देखिए प्लांट्स सूख गए हैं, तो इनमें भी मैं अपने न्यू प्लांट्स लगा दूंगा या कटिंग्स लगा देंगे हम। और जो भी प्लांट्स मैंने इंडोर रखे हुए थे, तो ये देखिए इन सभी प्लांट्स को मैंने बाहर बारिश में कर दिया था। जैसे कि ये देखिए मेरे अरेलिया के प्लांट, तो इनके भी नीचे से पत्ते सूखने शुरू हो गए थे, तो इन्हें भी मैंने बाहर बारिश में कर दिया था। तो इनमें ये देखिए इस प्लांट में थोड़ी सी पता नहीं ओवर वाटरिंग होगी, तो उसके कारण ये देखिए प्लांट सूखने से लग गया है, तो इन्हें इसलिए मैंने बाहर रख दिया ताकि इन्हें ब्राइट लाइट मिले और ये प्लांट वापस हेल्दी हो जाए। और ये नीचे सुदर्शन का और ये हिबिस्कस का प्लांट, ये सभी तो बाहर बारिश में पड़े थे और ये देखिए मौसम अच्छा हो गया, उसके कारण ये देखिए इन पे फ्लावरिंग भी शुरू होगी। ये कामिनी के प्लांट पे इन पे काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है और इनके रात के टाइम पे इनमें होती है या शाम के टाइम पे। और ये देखिए ये मेरा फाइलोडेंड्रोन का प्लांट है, इसमें भी ये देखिए पत्तियाँ जलने से लगी थी, अब इस पर न्यू लीव्स ग्रो करनी शुरू हो गई हैं। और ये ड्रेसिना विक्टोरिया का, तो इनकी लीव्स को भी जहाँ से जो ख़राब हो चुकी हैं तो उन्हें मैं हटा दूँगा। उसके बाद ये देखिए इनमें न्यू लीव्स स्टार्ट हो गई हैं और ये देखिए इस पर बेबी प्लांट में भी ये देखिए न्यू लीव ग्रो कर रही है। तो जब ये 1-2 महीने में ये प्लांट बड़ा हो जाएगा तो इसे भी हम डिवाइड करके नया प्लांट बना लेंगे। तो बारिश रुकने के बाद कुछ देर बाद, तो मैंने इन ये स्नेक प्लांट्स हैं इन्हें डिवाइड करके अलग लगाया था, तो मेरे सिलेंड्रिकल स्नेक प्लांट के कुछ बेबी प्लांट्स को मैंने डिवाइड किया था और उन्हें अलग अलग पॉट्स में लगाया था। तो कुछ को मैंने पॉलीबैग में लगाया था और कुछ स्नेक प्लांट्स की मैंने कटिंग्स लगाई थी, काफ़ी सारी मैंने इनकी कटिंग्स भी ग्रो की थी। तो ये देखिए ये सभी स्नेक प्लांट को मैंने पहले डिवाइड कर लिया था, फिर मैंने 2-3 प्लांट को इन पॉलीबैग्स में लगा दिया था ताकि ये काफ़ी मेरे गार्डन में बहुत सारे हो जाएंगे तैयार अब ये। तो ये देखिए कटिंग लगाने के लिए बिल्कुल मैंने सिंपल, ये देखिए रेत और बजरी का मिक्सचर लिया और उनमें इस तरह से ये कटिंग्स लगा दी हैं। बस हमने इन कटिंग्स को बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, ज़्यादा पानी से ये ख़राब होने लग जाएंगे। जब इसमें अच्छे से इसकी मिट्टी ड्राई हो जाए उसके बाद ही हम पानी देंगे और इसे बिल्कुल शेडी एरिया में रखेंगे या ऐसी जगह भी रख सकते हैं जहाँ सुबह की थोड़ी बहुत धूप मिले। और उसके बाद मैंने ये देखिए ये पोनीटेल पाम को रिपोर्ट कर दिया था, इसका पोट भी टूट चुका था और इसमें ये देखिए कितनी रूट बाउंडिंग हो चुकी थी, ये प्लांट भी काफ़ी बड़ा हो चुका था। तो मैंने इसकी थोड़ी थोड़ी रूट प्रूनिंग की, फिर ऊपर जाके ये बड़े से पोट में इसे ट्रांसप्लांट कर दिया था। तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण तो इसे हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते थे, तो अभी भी मैं इसे 5 से 6 दिन शेड एरिया में रख दूंगा क्योंकि अब मौसम में थोड़ी सी नमी है। उसके बाद मैं इसमें अच्छे से पानी दे दूँगा इसकी मिट्टी को अच्छी तरह से इसे दबा के, ताकि इससे कोई रिपोर्टिंग शॉक भी ना आए। तो इसमें मैंने थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट भी डाल दिया था और मैंने इस पाम को इसलिए रिपोर्ट भी कर दिया था क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, इसे ज़्यादा रिपोर्टिंग शॉक वगैरह नहीं होता क्योंकि इसकी लीव्स काफ़ी हार्ड होती हैं और इसके जो कोडेक्स होता है तो उसमें पानी स्टोर रहता है, तो इस कारण इसमें रिपोर्टिंग शॉक भी ज़्यादा नहीं होता। तो इन पे मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई है, तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा चैनल पे। तो आपके एरिया में भी अगर बारिश वगैरह हो तो आप भी ये थोड़े बहुत काम कर सकते हैं गर्मियों में भी।
तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।